राजधानी दिल्ली में 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों की पहचान की गई है, जबकि यहां प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट पहले से मौजूद हैं। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण के मुताबिक इन जगहों पर बहुत अधिक यातायात होने के चलते प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा है। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश के 47 शहरों में दिल्ली को 46वें स्थान पर रखा गया था। वहीं सर्वेक्षण में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने बाजी मारी। इंदौर लगातार चौथे साल टॉप पर रहा। वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर था। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने नर्सिंग होम एसोसिएशन के लिए खास इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को एक ऐसा सिस्टम बनाने को कहा है जिससे उनका लाइसेंस बिना परेशानी के रिन्यू हो जाए। नया आदेश आने के बाद किसी को भी रिन्यूअल कराने के लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि नर्सिंग होम कोरोना महामारी की वजह से अपने नर्सिंग होम का लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाए थे। वहीं उनके लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई थी, लेकिन नया आदेश जारी होने के बाद सभी को 31 मार्च 2021 तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एक ओर जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की कवायद भी जोर पकड़ रही है। तीसरे मोर्चे में आम आदमी पार्टी समेत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरे राजनीतिक दलों को जोड़कर लोगों के सामने विकल्प दिया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे पूर्व वित्त मंत्री और यूडीए के अध्यक्ष यशवंत सिन्हा तीसरे मोर्चे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। एक साल पहले ही आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया था, लेकिन कुछ बातों को लेकर उनमें राय नहीं बन सकी। हालांकि सिन्हा का आम आदमी पार्टी से रिश्ता जगजाहिर है। झारखंड में राज्य सरकार ने अब कोरोना मरीजों का शव ले जाने के लिए किराया निर्धारित कर दिया है, जिससे कोविड मरीजों की मौत के बाद शव ले जाने को लेकर निजी एम्बुलेंस चालकों के मनमाना किराया वसूले जाने पर लगाम लगाई जा सकेगी। राज्य सरकार ने इसके साथ ही कोविड-19 से मौत होने पर अंतिम संस्कार को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपी के कानपुर जिले के बिकरू कांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ घटना को अमर दुबे ने भी अंजाम दिया था। अमर दुबे की पत्नी खुशी को किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग घोषित किया है। खुशी के वकील ने इस संबंध में कोर्ट में दस्तावेज पेश किए हैं। इस पर कोर्ट ने उम्र तय करने के लिए फाइल किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी है। खुशी के वकील ने सुनवाई के दौरान बोर्ड को बताया कि खुशी नाबालिग है और उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष 10 महीने है। साक्ष्यों के आधार पर बोर्ड ने नाबालिग मान लिया है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच भी सीबीआई कर रही है। आज बंटी सचदेव को सीबीआई ने समन जारी कर डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया, जहां उनसे सवाल जवाब किए गए। दिशा बंटी की ही टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कॉर्नर स्टोन में काम करती थी। 8 जून को 28 साल की दिशा मुंबई में रहस्यमयी हालात में मृत पाई गई थी। इसके एक हफ्ते बाद 14 जून को सुशांत की मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में सीबीआई ये जांचने में अब जुटी हुई है कि क्या इन दोनों मौतों में कोई कनेक्शन है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच के 14वें दिन रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई। इससे पहले उनसे पिछले 2 दिनों में 18 घंटे सवाल जवाब किए जा चुके थे। सुशांत के कुक नीरज सिंह, हेल्पर केशव बचनेर और थेरेपिस्ट सुशन वॉलकर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में और प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय मामले में जांच तेज कर दी है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा है कि उनका परिवार इस बात का शक करता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों ने देखा और अब इसकी कामयाबी से उत्साहित इसके दूसरे पार्ट की तैयारी मेकर्स ने कर ली है। जहां एक तरफ इस फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के मेकर्स ने खुदा हाफिज चैप्टर 2 का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है।
फिल्म के दूसरे चैप्टर में लीड कैरेक्टर यानी विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की लव स्टोरी में थ्रिलर का तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म को फारूक कबीर एक बार फिर डायरेक्ट करेंगे। बाहुबली फेम सुपरस्टार प्रभास ने हाल ही में फिल्म आदि पुरुष का पोस्टर लॉन्च किया था। फिल्म के पोस्टर से खुलासा हुआ था कि ये रामायण से प्रेरित है। अब मेकर्स ने फिल्म से जुड़े एक और स्टार का नाम ऐलान किया है। सैफ अली खान इस फिल्म में लंकेश यानी रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म को तानाजी द अनसंग वॉरियर बनाने वाले डायरेक्टर ओम राउत डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं बाहुबली के हिंदी डायलॉग्स लिखने वाले लेखक मनोज मुंतशिर फिल्म के डायलॉग्स और गाने लिखेंगे। ये फिल्म अगले साल रिलीज होने की संभावना है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की अपकमिंग फिल्म नो टाइम टू डाई का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले एक्टर डेनियल क्रेग अपने खास स्टाइल और स्टंट से इसमें काफी प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। इस ट्रेलर के साथ ही नई रिलीज डेट की भी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि डेट को लेकर अभी बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर तय कर दिया गया है कि नवंबर में ये फिल्म बड़े पर्दे पर यानी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपको बता दें कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों इस फिल्म को मार्च में ही रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से अब इसे नवंबर तक शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि ये तय नहीं है कि जेम्स बॉन्ड की ये फिल्म नवंबर में भारत में रिलीज होगी या नहीं। आईपीएल 2020 के सीजन के लिए किंग्स इलेवन पंजाब के केएल राहुल के रूप में नया कप्तान मिल चुका है। पंजाब की टीम के नए कप्तान केएल राहुल ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। केएल राहुल ने कहा है कि वो अपनी बल्लेबाजी पर पड़ने वाले कप्तानी के बोझ को लेकर चिंतित नहीं है। हालांकि उनका मानना है कि पिछले फॉर्म को बरकरार रख पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। केएल ने कहा कि आईपीएल में सभी क्रिकेटर थोड़ा नर्वस होंगे। आपको बता दें कि केएल राहुल ने अपना पिछला मैच फरवरी में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बंगाल के खिलाफ कर्नाटक की ओर से खेला था। मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा मौजूदा सीजन में नहीं खेल सकेंगे। मुंबई इंडियंस ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिनसन को टीम में शामिल किया है। लसिथ मलिंगा ने निजी कारणों के चलते आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है। वो श्रीलंका में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। पैटिनसन इस सप्ताह के अंत में मुंबई इंडियंस टीम से जुड़ेंगे। वो अबू धाबी में मौजूद हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के अचानक यूएई से वापस आने से चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारियों को झटका लगा है। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं हो सका है कि रैना ने किस वजह से आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस लिया। चर्चाएं हैं कि होटल के कमरे को लेकर रैना और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बीच मन मुटाव था, जिसके कारण ही वो स्वदेश लौट आए। भारत पहुंचने के बाद रैना ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो एक बार फिर से यूएई में टीम से जुड़ सकते हैं। रैना की टीम में वापसी पर टीम के मालिक एन निवासन ने कहा कि रैना को दोबारा टीम से जुड़ने का फैसला पूरी तरह से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर उन लोगों पर जमकर बरसे जो भारतीय क्रिकेटर्स की तारीफ करने के लिए उनकी आलोचना करते हैं। अख्तर ने कहा कि लोगों को ये मान लेना चाहिए कि विराट कोहली इस समय दुनिया के चोटी के खिलाड़ी हैं और उनकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान या सारी दुनिया में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कोहली के करीब हो। आलोचकों पर निशाना साधते हुए अख्तर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों नाराज हैं। उन्हें मेरी आलोचना करने से पहले आंकड़ों पर जरा नजर डालना चाहिए। 10 नवंबर को आईपीएल खत्म हो जाने के बाद श्रीलंका प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट का पहला सीजन शुरू होगा। ये टूर्नामेंट श्रीलंका में 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेला जाएगा। इस लीग को पहले 28 अगस्त से 20 सितंबर तक खेला जाना था, लेकिन कोरोना के चलते इसे आगे के लिए टाल दिया गया था। 5 टीमों को 5 शहरों कोलंबो, कैंडी, गाले, दाम्बुला और जाफना के नामों पर रखा गया है जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे।